प्रदेश की जनता ने एक तरफा फैसला सुनाया। प्रदेश की सभी 29 सीटों पर बीजेपी की प्रचंड जीत हुई तो कांग्रेस की करारी हार। अब सवाल है कि ऐसे कौन से कारण रहे कि कांग्रेस को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। आइए जानते हैं बीजेपी की जीत और कांग्रेस के हार के बड़े फैक्टर। हमने पहले प्रचंड बहुमत से राज्य सरकार बनाई और अब माननीय मोदी जी की सरकार में 29 कमल के फूल भेंट कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है। प्रदेश की सभी 29 सीटों पर कमल खिला है। इस बार कांग्रेस के सबसे मजबूत गढ़ छिंदवाड़ा में भी बीजेपी सेंधमारी करने में सफल हुई है तो कांग्रेस का प्रदेश से सूपड़ा साफ हो गया है। बीजेपी इस जीत को मोदी की जीत बता रही है तो कांग्रेस नेता अपनी कमी बताते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें पूरी हम समीक्षा करेंगे कि केवल एक सीट की बात नहीं है, कितनी लंबी हार हुई है ये भी एक सोचने की बात है। हालांकि मध्य प्रदेश में बीजेपी की जीत और कांग्रेस की हार के कारणों को जाने तो ऐसे कौन से फैक्टर रहे जिसकी वजह से प्रदेश में बीजेपी ने भगवा परचम लहरा दिया और कांग्रेस पार्टी क्लीन बोल्ड हो गई। दरअसल बीजेपी ने एकजुट होकर चुनाव लड़ा। सभी बड़े नेता मोर्चे पर डटे रहे। केंद्रीय नेतृत्व में लड़ा गया चुनाव। सिर्फ मोदी के नाम पर मांगा वोट। एक एक बूथ पर रहा फोकस। एक एक सीट का रिव्यू कर बनाई रणनीति। कांग्रेस के रूठे नेताओं को साथ लिया। लोकल मुद्दों की जगह उठाए राष्ट्रीय मुद्दे। यही वजह रही कि बीजेपी प्रदेश की जनता को साधने में सफल रही। कांग्रेस को घेरने के लिए बीजेपी की रणनीति आक्रामक रही तो कांग्रेस पार्टी बीजेपी को घेरने में नाकाम रही। कांग्रेस की हार के कारण को देखें तो अब तक की सबसे कमजोर तैयारी थी। कांग्रेस नेतृत्व विहीन और बिखरी दिखी। प्रदेश नेतृत्व में बदलाव से गुटबाजी बढ़ी। दिग्गज नेता अपने गढ़ तक सीमित रहे। रूठे नेताओं को नहीं बना पाए संगठन की बजाय अपने दम पर चुनाव लड़े प्रत्याशी। उम्मीदवारों के चयन में पार्टी से गलतियां हुई। लोकल मुद्दों पर बीजेपी को नहीं घेर पाए। बीजेपी की तुलना में प्रचार रहा सुस्त। यही वजह है कि कांग्रेस से बड़ी चूक हुई और दिग्गज नेता अपना किला भी नहीं बचा पाए तो बीजेपी प्रदेश में फिर से कमल खिलाने में कामयाब हो गई। प्रदेश में सीएम मोहन यादव का कमाल दिखा। मोदी की गारंटी पर जनता ने मुहर लगाई तो मोहन यादव पर जनता ने विश्वास जताया जिसकी बदौलत सभी 29 सीटें बीजेपी की झोली में आ गई हैं। टीम न्यूज स्टेट। वही छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की। प्रदेश की 11 में से 10 सीटों पर बीजेपी ने भगवा परचम लहरा दिया तो कांग्रेस मात्र एक सीट पर सिमट गई। यहां बीजेपी के जीतने और कांग्रेस के हारने के क्या कारण रहे इस रिपोर्ट में देखिए। चौबीस के रण में मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ ने मोदी को बड़ा गिफ्ट दिया है। यहां की 11 सीटों में से 10 सीटों पर बीजेपी की प्रचंड जीत हुई। साल 2019 में कांग्रेस पार्टी जिन दो सीटों में जीती थी उनमें से एक सीट भी बीजेपी ने छीन ली है। कांग्रेस के हाथ से बस्तर फिसल गया। सीएम विष्णुदेव साय के नेतृत्व में बीजेपी का डंका प्रदेश में बजा तो कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के जीत और कांग्रेस के हार के फैक्टर को समझे तो बीजेपी की जीत के बड़े कारण एकजुट होकर चुनाव लड़ना। दिग्गज नेताओं ने प्रचार किया। मोदी की गारंटी का जादू चला। विधानसभा चुनाव के जीत के फॉर्मूले को आधार बनाया। सीएम विष्णुदेव साय का अनुभव काम आया। प्रत्याशियों की जल्द घोषणा करना। नए चेहरों को मैदान में उतारना। नई सरकार बनते ही मोदी की दो गारंटियों को पूरा करना। किसानों के लिए 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी या फिर 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान की कीमत करना। महतारी बंधन योजना का बड़ा असर देखा गया है। ये वो बड़े कारण हैं जिसकी वजह से बीजेपी 10 सीटों को जीतने में सफल रही और पिछले रिकॉर्ड को बेहतर कर पाई तो 6 महीने पहले हुए विधानसभा चुनाव में हारी कांग्रेस लोकसभा चुनाव में भी मात खा गई। कांग्रेस की हार के कारणों को जाने तो एकजुटता कहीं नजर नहीं आई। गुटबाजी चरम पर रही। नेतृत्व क्षमता का अभाव रहा। टिकट देने में काफी देरी हुई। सियासी समीकरणों को नहीं साध पाए। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घिरे रहे कई नेता। विधानसभा में हारे नेताओं पर दांव चला।
यही वजह है कि कांग्रेस के दिग्गज नेता भी पार्टी को जीत नहीं दिला पाए। राजनंदगांव से भूपेश बघेल हार गए तो बस्तर से कवासी लखमा को भी मात खानी पड़ी। एक सीट कोरबा में सिर्फ कांग्रेस का कमाल दिखा, जहां ज्योत्सना महंत ने कांग्रेस की लाज बचाई। टीम न्यूज़ 8।